नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं धन सिंहपुर स्टडी चैनल। तो इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कुल कितने फॉर्म ऑनलाइन हुए हैं, रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो गाइज, यूपी SSSC की जो वैकेंसी ग्रुप सी की निकलने वाली, वो इसी के अंतर्गत निकलेंगी। लेखपाल वगैरह की और क्लर्क की जो भी वैकेंसी निकलती हैं, वो इसी के अंतर्गत निकाली जाएंगी। तो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर टोटल फॉर्म कितने ऑनलाइन किए गए तो रजिस्ट्रेशन किए गए। तो यहाँ पर पंजीकरण किए गए संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर 26,95,539 अभ्यर्थियों ने जो है इसमें ऑनलाइन किया। अगर बात की जाए पंजीकृत अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थी कितने हैं जिन्होंने फीस जमा की है, तो गाइस यहाँ पर 17,66,856 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने फीस जमा की। और गाइस, इसकी अभी बात की जाए तो गाइस, इसका अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, इसका जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि इसकी डेट निकल गई। अगर जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया था उन्होंने अपना जो है फोटो अपलोड नहीं किया था, तो वो लोग अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं और अपना जो है सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं और बाकी सारी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। 28 तारीख जो है लास्ट डेट रखी गई फ़ीस पेमेंट करने की है। 28 तारीख तक आप फीस पेमेंट कर सकते हो। बाकी आप अपना जो भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट आपने कर लिया था, उसके बाद जो फ़ोटो अपलोड वगैरह बचा है, वो आप 25 तारीख तक कर सकते हो उसमें, और संशोधन भी कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर एजुकेशनल और टेक्निकल वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी। तो ये नोटिफिकेशन है, आप लोग इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक यू गाइस। जिन लोगों ने अभी तक अपना फ़ोटो सिग्नेचर और फीस नहीं कटवाई, वो गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे यूपी SSSC.gov.in टाइप करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने साइट खुल जाएगी और यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन एक मिल जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड। अगर आपने फ़ीस डिपॉजिट नहीं की तो यहाँ से आप फीस भी जमा कर सकते हो और फाइनल अपना प्रिंट यहाँ से निकाल सकते हो। और उसके बाद अगर मॉडिफाई आप करना चाहते हो तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन को मॉडिफाई भी कर सकते हो। और उसके बाद जो है इसमें करना है आपको सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने के लिए, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपना डालना पड़ेगा और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को आपको डालना पड़ेगा। यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी जो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, क्लिक करके आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और अपनी जहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी जो यूपी के निवासी है तो आप यूपी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से कैटेगरी आपकी आ जाएगी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपका वेरिफिकेशन जो है वो मांगा जाएगा, ये कोड यहाँ पर डाल देना। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपको डाल देना या मोबाइल नंबर डाल के आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद वहीं से आप जो है कर पाओगे इसका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड और फीस भी आगे कटवा पाओगे।